खबर रायपुर से जहां पर भूपेश कैबिनेट की कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे पंचायत चुनाव, सीधे तौर पर ही चुने जाएंगे पंच और सरपंच। अब साक्षर लड़ सकेंगे पंच सरपंच का चुनाव। पंच के लिए पांचवी पास की पात्रता जरूरी नहीं है। भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले आपको बता रहे हैं, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले सामने आए। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कई अहम प्रस्तावों पर जो है उनको मंजूरी मिली है। प्रत्यक्ष प्रणाली से ये पंचायत चुनाव होंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, साथ ही सीधे तौर पर ही चुने जाएंगे सरपंच। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, आपको बता दें, प्रत्यक्ष प्रणाली से पंचायत चुनाव होंगे। फैसला हुआ है राज्य में उद्यानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए नए विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, जो महात्मा गांधी जी के नाम पर होगा, और इसके लिए मंजूरी हुई है, जिसके कारण विश्वविद्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उद्यानिकी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए सहमति बनी है। छत्तीसगढ़ विधानमंडल सदस्यता निहत्ता निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो लाभ के पद होते हैं, उसमें तीन पदों को लाभ के पद से बाहर किया गया है। एक सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ खेत विकास प्राधिकरण। नहीं, ये तो तीनों आ गए। रायगढ़ में एक नए विश्वविद्यालय के स्थापना के बारे में निर्णय हुआ है, जो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम से होगा। वर्तमान में रायगढ़ और चांपा जिले के 102 और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो विश्वविद्यालय है, उसमें बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चांपा और कोरबा, रायगढ़, ये जिले के पूरे विद्यालय उसमें थे, जिसकी संख्या रायगढ़ और चांपा जिले के 102 और बाकी का 185। अब कोरबा और रायगढ़ मिला के एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में भी पूर्व में निर्णय हो चुका है कि महापौर का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा, उसका फैसला हुआ है। नगरी निकाय में जो निर्मित दुकान है, पुराने दरों को सब प्रीमियम के ऊपर नगर पंचायत में 2.40%, नगर पालिका में 3.60%, नगर पालिका 3 लाख से ऊपर 4.80% और नगर पालिका 3 लाख से अधिक 10 लाख तक 6% का प्रावधान पहले था, ये अब समाप्त हो गया है। अब जो प्रीमियम है उसका 2% किराया निर्धारित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग की सूची में जालार, नलू, बस्तर जिले के स्थान पर बस्तर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा जिले में, ये पूरे जिले के लिए अब उसको विस्तारित कर दिया गया है। मतलब पहले एक खाली बस्तर जिला लिखा हुआ था, क्योंकि बाद में विभाजित होकर अन्य जिले बन गए, तो वो पूरे जिले को उसमें शामिल किया गया। कांग्रेस भवन के लिए कोरिया में 1 रुपये टोकन के आधार पर कांग्रेस भवन कोरिया के लिए जमीन का आवंटन का फैसला हुआ है। आपसी सहमति से भूमि क्रय में ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा 4 गुना और जो परिसंपत्ति है वो 2 गुना, जो उसमें निर्माण कार्य है, कुआं है, मकान है, तो उसको 2 गुना और जमीन का 4 गुना मुआवजा निर्धारित किया गया है। कस्टम मिलिंग के मामले में जो प्रोत्साहन राशि पूर्व में दिया जाता था, वो पूर्व की भांति ही दिया जाएगा। इसके अलावा एक प्रेजेंटेशन हुआ चिट फंड कंपनियों को लेकर। चिट फंड कंपनियों को लेकर कुल प्रकरण की जानकारी दी गई, जिसमें जो गिरफ्तार किए गए डायरेक्टर 379, पदाधिकारी 148, एजेंट 187, जिसमें से फरार 796, पदाधिकारी 187, एजेंट 142, 280 कंपनियों के विरुद्ध FIR हुआ है। इसमें त्वरित गति से कार्रवाई किया जाना है,
और एक अच्छी शुरुआत ये हुई है कि जो रकम वापसी वाली बात है वो बिलासपुर जिले में 2 लाख रुपए का रकम वापस किया गया है। अब ये शुरुआत हुई है आगे चल के, और इसमें प्रकरण वापसी को भी लेकर जो चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था उसमें आगे गति लाने के लिए प्रेजेंटेशन हुआ है और निर्देश भी हुए। अब आपको कुछ पूछना है तो बताइए, आपको कुछ कहना अक्षर का मतलब क्या हुआ? अक्षर ज्ञान, साक्षर का मतलब अक्षरी ज्ञान, मतलब। और खबर ग्वालियर से जहाँ पर थाना